सोनी रंगली यहाँ रब की मेहर बसे यहाँ नीर बहे मस्तानड़े यहाँ पावन पवन बहे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तातार के बच्चे की जान लेने जा रही थी। मैं तो आपके लिए सोच रही थी बीबी कि दातार बीबी के मां बनते ही कहीं आपकी इज्जत रुतबा घटाना या बढ़ाना तो वाहेगुरु के हाथ है। तू अपनी बकवास बंद कर और चली जा मत। तो एक औरत होके तू ये बात सोच भी कैसे सकती है? हमें रंजीत के हौसलों को कुचलना होगा। तो फिर ये तय हुआ कि हम सब एक हैं। फिलहाल कामयाबी के बाद हम चार के चार रहेंगे। मंजूर? मंजूर। गुरु प्यारे साहब संत जी, गुरु महाराज का हुक्मनामा खा अक्षर से निकला है। कुचंगी का जन्म क्योंकि कृपाण के धनियों के खानदान में हुआ है तो इसका नाम खड़क सिंह रख देते हैं। पक्की खबर है, राजकुमार की जन्म की खुशी में लाहौर में जश्न का माहौल होगा। रंजीत सिंह भी इसमें खोया हुआ होगा। इससे बेहतर मौका और क्या होगा? वाहेगुरु जी की कृपा से तू कभी कोई जंग ना हारे पुत्र। बेबी तो आप सबका यूं जेवर उतार देना, किस बात को इशारा करता है? रंजीत, ये तो बड़ी सीधी सादी सी बात है पुत्र। वो फौजी जो लड़ाई के मैदान में अपने वतन की खातिर डटे हुए हैं, क्या उनके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? बनता है, जरूर बनता है बेबे, लेकिन तब बनता है जब आपका बेटा मायूस हो जाए। रब ना करे कभी भी ऐसी कोई घड़ी आए। पुत्र, हम सब ने ये जेवर फौजियों की तनख्वाह के लिए दिए हैं। फौजी वतन के लिए अपनी जान दे रहे हैं तो क्या इस मुसीबत की घड़ी में हम अपने जेवर भी नहीं दे सकते? नहीं, अभी ये नौबत नहीं आई। वाहेगुरु ने अपनी कृपा का हाथ कभी मेरे सर से नहीं हटाया। मेरा वाहेगुरु मेरे साथ है। आज सुबह ही वाक निकला, सदगुरु संग सदा है नाले। मुझे मेरे वाहेगुरु का इशारा मिल गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जिसने जिसने ये जेवर दिए हैं उन्हें लौटा दीजिए और कह दीजिए कि रंजीत उनका शुक्रगुजार है। चलता हूं, ज्यादा रुक नहीं सकता। माई जी, इन्होंने तो इनकार कर दिया, अब क्या होगा? करण करावण करने जो जो तिस पावे सो ही होग।
रुको, किसी के कराहने की आवाज आ रही है, हमें देखना चाहिए। लगता है इन्हें सांप ने काटा है, जल्दी करो, शायद ये बच जाएं। नहीं सरकार, इसके मुंह से जाग निकल रही है, अब ये नहीं बचता। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। बुजुर्गों, आप मत घबराएं, हम आ गए हैं। ये क्या, आपने तो सेवा का मौका ही नहीं दिया। सरकार, अब तो कोई फायदा नहीं, यहां और भी तो सांप होंगे, हमें चलना चाहिए। खालसा जी, कैसे सिख हो, इस लाश को इस तरह यहां छोड़ दें? लगता कोई फलाद जैसी चीज है। मैं अभी सरकार को बताता हूं। क्या हुआ सिंह साहब? संदूक सा लगता है। खोलो इसे। वाहेगुरु, मेरी तकलीफ, उस बुजुर्ग की मौत और इस खजाने का क्या रिश्ता है? वो बुजुर्ग जरूर कोई नेक बंदा रहा होगा जो मर के भी हमारी मदद कर गया। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, ये तो आपने अपने बंदों को इस तरह कर दिखाया, मेरी झोली अपनी मेहर से भर दी। आपने अपने इस बंदे का हाथ नीचे नहीं जाने दिया। हे सच्चे पातशाह, तेरा लख लख शुक्र है। आदा। ये सब उसी इलाके के लोग हैं। जी सरकार, इन्होंने जिस पट्टे का जिक्र किया है उसे बुद्धू का आवा कहते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। रंजीत बेटे, वो जरूर कोई दरवेश रहे होंगे जो आपको अपना जलवा दिखाकर चले गए। चाचा, सब वाहेगुरु की मेहर है। ये बात पूरे इलाके में फैल गई है कि रंजीत सिंह को कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। ये सब कहते हैं आपके ऊपर रब दी मेहर है। ये मेहर सिर्फ रंजीत सिंह पर क्यों होती है? अरे भाई, वो वाहेगुरु का बंदा है और हम उसके हाथ ये खजाना लगने से उसकी माली हालत बिल्कुल बदल गई है। वो तो गले तक तंगी में डूब गया था, अब वही तंगी उसकी तली में दब गई। अरे हमारी क्या रह गई है, कोई समझाएगा हमें? कहते हैं ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के देता है, रंजीत को तो वो जमीन फाड़ के दे रहा है और हम हमारी नसीब की चादर तो वो फाड़ता ही चला जा रहा है, फाड़ता ही चला। अरे कोई रोको इसे, ये जाकर फिर से शराब पिएगा, इसका तो कलेजा जल के स्वाहा हो जाना है। इन्हें नशे में ही रहने दो साहब सिंह जी, वरना ये सारी फौज की नींद हराम करेंगे।
छलक रही है यार, लगता है प्याली खाली होने वाली है। खालसा जी, क्या बात करम सिंह? एक बुरी खबर है सरदार जी। क्या हो? जेलम मोर्चे से खबर आई है कि आपके अजीज दोस्त फतेह सिंह धन्नी जी मारे गए हैं। गुलाब सिंह को खबर दी? जी नहीं, सीधा आप ही के पास आया हूं। मैं खुद जाकर उसे बताता हूं। गुलाब सिंह का अजीज था वो। गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। इधर गुलाब सिंह, उधर फतेह सिंह, हमारे हाथ कटते जा रहे हैं। गुलाब सिंह को भी अमृतसर ले चलना है। वक्त इस वक्त बिल्कुल हमारे खिलाफ है। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूं कि हमें ये मोर्चा हटा लेनी चाहिए। बिना अंजाम देखे हमारा फैसला हो गया। रामगढ़िया जी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो फिर ठीक है साहब सिंह, मगर रंजीत सिंह को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। भाई मोहकम चंद जी। हाँ बोलिए खालसा जी। अब पता चला कि हमारी सरकार का हाथ जरा तंग था, हमने तो अपनी औकात दिखा दी। नहीं खालसा जी, आपने अपनी मजबूरी दिखाई थी, आपने मुसीबत में हमें छोड़ा तो नहीं। उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भला कोई अपनी जिंदगी भी छोड़ता है? वाहेगुरु हमारी सरकार का रुतबा और ऊंचा करे, उनके इरादों को कामयाबी दे, उनके दोस्तों को जिंदगी और दुश्मनों को बर्बादी दे। सिंह साहब, गई रात हमसे कुछ ले गई। क्या ले गई? सरकार, साहब सिंह और कुछ साथी रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गए। अच्छा, आइए चल के देखिए तो सही।
गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिरों की इमारत के लिए कोई खास बंदा तो मुकर्रर करना ही होगा, जिसे वक्त जरूरत कोई भी फैसला लेने का हक हो। भाई अजीजुद्दीन, मैं चाहता हूं कि आप किसी मुनासिब बंदे को चुनें और इसका फैसला आज ही कर लें। जी। और हाँ, बंदा फैसला लेने का खुद मुख्तार होगा। भला ये बंदा खुद मुख्तार क्यों होना चाहिए? मामा जी, जब वाहेगुरु रंजीत सिंह को कुछ देता है तो बीच में किसी और को नहीं लाता, इसलिए। ओ चड्डो जी, मैं कोई मुजरिम हां? अभी झूठ सच का फैसला हो जाएगा। अबे छोड़ो यार, ये कोई तरीका है? धक्के मार के ले आई जा रहे हो, वो हाथ ना ला कपड़े मेले। आइए आइए काजी साहब। सरकार का इकबाल बुलंद हो। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? इन दो मुसलमानों में मुकदमा है। माफ कीजिए काजी साहब, मुसलमानों का मुकदमा इस्लामी कानून के तहत हो, इसलिए तो आपको शहर काजी मुकर्रर किया गया है। आप वजह फरमा रहे बंदा परवर, लेकिन ये मुकदमा बड़ा अजीब और गरीब है। ये मेरी अकल से बाहर है, इसलिए मैं अदालत खास में लेकर आया हूँ। हुआ क्या है? मैं बताता हूँ मोतियां वाली सरकार, ये है शहाबुद्दीन और मेरा नाम है धनिया शरीफ। इस बेईमान ने मुझ पे मुकदमा ठोक दिया है कि इसकी 40 मोहरे मैंने अपने पास अमानत के तौर पे रखी थी। मेरा दावा बिल्कुल सही है सरकार, मैंने अपनी गाड़ी कमाई की 40 मोहरे से अमानत के तौर पर दी। अब ये कमीना कहता कि नहीं थी। शहाब, तुम कहते हो कि तुमने इसको अमानत के तौर पर मोहरे दी और तुम कहते हो कि नहीं दी? नहीं दी बंदा परवर, बिल्कुल नहीं दी। अच्छा शहाब, जब तुमने इसको मोहरे दी तो कोई गवाही के तौर पर तो होगा ही? नहीं सरकार, गवाह तो अल्लाह ताला के सिवा और कोई भी नहीं है। सुनिए सरकार, सुनिए, आप भी सुनिए, जब गवाही की बात आई तो इन्होंने अल्लाह ताला का नाम जोड़ दिया। और क्या करूं सरकार, कुछ रोज पहले मैं शेखुपुरा जा रहा था, मेरे पास मोहरे थी, मैं डर रहा था कि कहीं रास्ते में कोई लूट ना ले, अचानक मुझे ये मिल गया। मैंने इसे मोहरे दी और कहा कि जब मैं लौटूंगा तो अपनी अमानत वापस ले लूंगा। अभी कमीना अमानत में खयानत कर रहा है। ओ जब अमानत ली ही नहीं तो खयानत कैसी? खामोश। शाब मियां, जब तुमने इसको अमानत दी तो आसपास कोई ना कोई तो रहा ही होगा ना? नहीं सरकार, वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके साए में मैंने इसे मोहरे दी थी। तो फिर ठीक है, सिपाहियों के साथ जाओ और उस बरगद के पेड़ को हमारे सामने गवाही के तौर पर पेश करो। जी। सिपाहियों, इनके साथ जाओ। शहाब, अब जाओ, देर मत करो, तुम्हें शाम होने से पहले लौटना भी है। जी। और हाँ, बरगद के पेड़ को लाना मत भूलना। जो हुक्म सरकार। अरे और कितनी दूर जाना है? अभी तो आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ, वैसे जाना बेकार है। बरगद के पेड़ ने खालसा जी के हुक्म से दरबार में हाजिर थोड़े ही होना। मैंने तो सुना था कि रंजीत सिंह बड़ा ही अकलमंद आदमी है, पर मुझे तो नहीं लगता। खबरदार, जो सिंह साहब के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाओ। या अल्लाह, ये मुझे कहां बेवकूफों में फंसा दिया। शरीफ मियां, वो 40 मोहरे तो तुम्हारी हो गई, वो बरगद का पेड़ तो गवाही देने आने से रहा। वाह रंजीत सिंह, तेरा इंसाफ। वाह। अरे शरीफ। जी हुजूर। तुम्हारा दोस्त तो आने में बहुत देर कर रहा है। ओ मोतियां वाले, हो तो अभी आधे रास्ते में पहुंचा होगा। Thank you.
यही वो पेड़ है जहाँ मैं बैठा था। मैं यहाँ बैठा था और शरीफ वहाँ बैठा हुआ था। अब ये तो ये पेड़ चल के सरकार को बताएगा, इसे कहो चल के तुम्हारी गवाही दे। अरे शरीफ मियां जी। हुजूर आपके तो नाम में ही शराफत है जी। आपको क्या लगता है वो बरगद का पेड़ गवाही के तौर पर आ पाएगा जी? बरगद का पेड़ मैं क्या जानू हुजूर। पता है पेड़ बोलते भी हैं। पेड़ जी। भाई गवाह से बात करो और इसे लेकर चलो। अरे तुमने इसी के साये में अमानत दी थी ना? हाँ भाई हाँ, यही वो जगह है, पेड़ भी यही है। लेकिन बेजुबान चीजें गवाहियां नहीं देती। मैं जानता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन ये मुकदमा हार जाऊंगा। चलो भाई मेरे साथ साथ अपना वक्त बर्बाद मत करो, ये पेड़ मेरे साथ नहीं जाएगा। बोल के तो देख, सरकार की हुक्म अदूली मत कर। बरगद भाई, इंसान का जब वक्त खराब आता है तो ऐसे ही वाक्य पेश आते हैं। तुमने गए महीने की पहली जुमरात को शरीफ को मुझसे 40 मोहरे लेते देखा था, क्या तुम मेरी गवाही देने चलोगे? बस सरकार का हुक्म मुकम्मल हुआ, अब चलो। जब तुम्हें पता था कि पेड़ मेरे कहने से नहीं जाएगा, फिर तुमने मुझे ऐसा करने को कहा क्यों? क्योंकि सरकार का हुक्म था, अब वापिस चलो। क्यों शाह, गवाही के तौर पर उस बरगद के पेड़ को साथ में क्यों नहीं लाए? सरकार क्यों गरीब के सब्र का इम्तहान ले रहे हैं? आप जानते थे पेड़ नहीं आएगा। गौर बख्श तुम्हारा क्या कहना है? सरकार हम इसे साथ ले गए, बड़ा लंबा रास्ता तय किया इसने। वो रास्ते में कितनी बार रुका और कहां कहां रास्ता भूला? सरकार ये रास्ते में कुछ नहीं भूला और ना ही कहीं रुका। ये हमें एक ही सांस से जहां ले गया वहां एक बरगद का पेड़ था। क्यों शाह, तुम उस बरगद के पेड़ को गवाही के तौर पर क्यों नहीं लाए? सरकार हाकिम है, जो चाहे कहें। आप अच्छी तरह जानते हैं दरख्त कभी भी गवाही नहीं दे सकता। नहीं शाह, उस दरख्त ने तुम्हारी गवाही दे दी, जिस दरख्त के नीचे तुमने इसको अमानत दी थी। इस सिर्फ नाम के शरीफ की मुश्कें कस ली जाएं जिसने अमानत में खयानत की है, इसके लिए तो मैं ऐसी सजा का ऐलान करने जा रहा हूँ। सरकार रहम कीजिए, सरकार मुझ गरीब के साथ ऐसी ज्यादती क्यों? और शहाब तो अपना गवाह दरबार में ला ही नहीं सका। क्यों शरीफ मियां, तुम तो मनी मन बहुत मुस्कुराए होगे जब मैंने शहाब से पूछा कि जब उसने अमानत दी तो उसके पास गवाह के तौर पर कोई था या नहीं, और उसने एक दरख्त की बात कही। शरीफ, अगर इसने यूं ही किसी दरख्त की बात कही होती तो ये मेरे सिपाहियों को लेकर सीधा वहां नहीं पहुंचता, और ना ही तुमको मालूम पड़ता कि वो जगह यहां से कितनी दूर है। तुमने तो बहुत मुस्कुरा के कहा था कि वो तो अभी आधे रास्ते ही पहुंचा होगा। तू झूठा है और ये सच्चा है। मैं खालसा सरकार की तरफ से इसको काजी शहर के हवाले करता हूं, और कानून के तहत तेरे लिए जो भी सजा हो वो तुझे दें। सरकार मैं आपकी दानिशमंदी का एहतराम करता हूं। आप जैसे इंसाफ पसंद हाकिम को मेरी भी उम्र लग जाए, आपका इकबाल बुलंद हो। मैं क्या जी, अभी तक तो आपने कुछ कहा है नहीं। जरा इधर तो आइए। पजामे में नड़ा छड़ा डालना है क्या?
मुझे फर्क तो नहीं है। आप ये क्या कर रहे हैं? ये मैं अपनी हथेली पे सरसों का साग उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रही हैं कि मैं खत लिख रहा हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओए नाड़ा डालने से ज्यादा और जरूरी क्या है? सुनना है तो सुनो, नहीं तो बस जो ही खाम खा। अरे घर वाली, आप तो नाराज हो गई। लो बताइए क्या मसला है? आप कैसे समझ गए कि कोई मसला है? जब बीवी मियाँ के मजाक को हजम ना कर सके तो समझ लो कोई मसला है। साहब सिंह के घर से न्योता आया है, क्या करना है जी? क्या करना है, हम जाएंगे। साहब सिंह जी अपने रंजीत के फूफा हैं और उसकी बीवी मेरी भांजी है, हम जरूर जाएंगे। फुफड़ लगते हैं वो तेरे, हमें तो न्योता भेजा नहीं, मामा दल सिंह जी को भेज दिया। अब पुत्र तू तो वहां जाएगा नहीं, मामा जी को भी नहीं जाना चाहिए। क्यों बेबे, क्यों नहीं जाना चाहिए? ऊपर साहेब सिंह की दुश्मनी मेरे साथ है, बड़े मामा जी के साथ नहीं है। और फिर बड़ी मामी का कुछ रिश्ता भी तो निकलता है, यह आपसी ताल्लुकात की बात है, इन्हें सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? दुश्मनों के बीच हमारा साथी जाकर बैठेगा तो कोई ना कोई बात तो निकलेगी, लोग वहां मुंह सीकर तो बैठेंगे नहीं। इन्हीं मौकों पर तो दोस्तों और रिश्तों का इम्तिहान होता है। वैसे आप विश्वास कीजिए, मुझे बड़े मामा के वहां जाने से रत्ती भर भी एतराज नहीं होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ आए, वरना मैं तो तुमने क्या सोचा था तेरे मामा जी नहीं आएंगे? मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा था कि रंजीत भी आएगा, वो वही आन शान वाला है। सिंह जी, रंजीत की सियासत तो हमारे बीच है, लेकिन यहाँ तो रिश्तेदारी है और रिश्ते तो रब ने जोड़े हैं। वाहिगुरु, आइए आइए आइए। बहुत बढ़िया खाना खिला। और कुछ माल को? धर्मवीर तू जा, तेरी जरूरत होगी तो तुझे आवाज दे। जो हुकुम माल को। मामा जी, मैं बात को घुमा फिरा के करने वालों में से नहीं। मैं तो सीधा मुद्दे पर आता हूं। कहो पुत्र जी। अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को सियासत का जामा पहना के भी देखें। मैं कुछ समझा नहीं। मामा जी, मेरे सामने अब आखिरी फैसला है, आर या पार। मामा जी, अगर आप मेरे साथ हाथ मिला ले तो मैं रंजीत जैसे दरिया का बढ़ना रोक सकता हूं, लेकिन उस रंजीत के साथ आपकी हैसियत क्या है? कि मातहती समझे जाते हैं ना आप, लेकिन हमारे साथ आप खुद मुख्तार होंगे। लेकिन पुत्र रंजीत से टक्कर। लेकिन वेकिन की गुंजाइश तो छोटे लोगों में होती है, हम तो हुकूमत करने आए हैं, मामा जी तो मान जाएंगे, लेकिन आपको मनाना भी तो जरूरी है ना। जब वो मान जाएंगे तो मेरा क्या है? नहीं, घरवाली हैं आप उनकी, और घरवालियां अगर ताज छुड़वा सकती हैं तो ताज पहना भी सकती हैं। पुत्र जी, मैं ताज छुड़वाने वाली घरवालियों में से नहीं हूँ, मैं तो ताज पहनाने में विश्वास रखती हूँ। भैया हुई ना बात। साहिब सिंह, आज से तू और मैं एक, हमारे मंसूबे एक। मामा जी,
मिला ये हाथ। सरदार साहब पट्टा ठीक हो गया? जी खान साहब। कब्जा कस दो। जी खान साहब। गौसा चाचा, गौसा चाचा। क्या बात है हीरालाल जी? सिंह साहब ने आपको दरबार में बुलाया है। आप चलो, मैं आता हूं। मखम चंद जी, कालगढ़ में तो मैं हाकम हूं, वाहगुरु जी की कृपा से। मैं आपका मुलाजिम हूं, इतना तो जानता हूं। आपका नमक है जो लहू में दौड़ता रहता है। अरे मखम चंद, कभी किसी का गुड़ भी चख के देखो। मीठी मीठी पिनिया शिनिया और मालपुए, मेरे हाजमे को रास नहीं आती मिठाई। वैसे हलवाइयों से मेरा कोई बैर भाव नहीं है दल सिंह जी। अब आप बता ही दो कि ये मिठाई शिठाई की पेशकश कहीं गुजरात से तो नहीं आई? आप बड़े समझदार हैं। साहिब सिंह ने हमें उसके साथ मिलकर रंजीत के खिलाफ मोर्चा खोलने की दावत दी है। मोहकम चंद जी, इस दूध में भी गुजरात का खालस मेवा पड़ा है, लीजिए। सरदारनी जी, मां के दूध से बढ़कर कोई दूध है क्या? मैं उसी को याद रखता हूं। मां ने कहा था, बेटा जिसका खाना उसी को गाना। तो मुकम चंद, साहिब सिंह की तरफ से मैं तुम्हें दावत देता हूं। दीवान जी, ये दावत नहीं अदावत है। जैसे दुनिया में भेजने वाला रब एक, दुनिया में लाने वाली माँ एक, धर्म ईमान एक, रंजीत सिंह भी एक। मेरी मानिए, शक्कर से बचिए। जे इंसान के लहू में उतर जाए तो मधुमेह हो जाती है, और ये बीमारी जानलेवा होती है। मुकम चंद, शायद तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे, या मैं तुम्हारे मतलब का मतलब नहीं समझ रहा हूं। आप बड़े हैं, मैं आपको क्या समझाऊं। बस इतना समझ लीजिए कि कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, नमक में नहीं। हीरालाल, मालिया वसूलने में एक बात का खास ख्याल रखना कि कोई गरीब ना मारा जाए। ना जी, गरीबों को तो खालसा सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। गंगाराम, तुमने भी लंगर खाने का काम अच्छी तरह से संभाल लिया है, हम खुश हैं। और जानते हो हमारी खुशी की वजह क्या है? खालसा जी, आप इकबाली भी हैं और रहमदिल भी। नहीं, हीरा लाल ने कभी किसी को कहने का मौका नहीं दिया कि वो मेरी बहन गुड्डो का शौहर है, इसीलिए मैं उसको मानता हूं। उसने इज्जत कमाई है, और ये तुम्हें साबित करना है कि जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसे तुमसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता। खालसा जी, हम पंजाब की मिट्टी के लोग हैं, नमक का हक अदा करना जानते हैं। यह नमक रंजीत सिंह का नहीं है, खालसा सरकार का है, हमारे वतन का है, इसे हमेशा याद रखना। जी हीरा भाई, खालसा जी के बारे में क्या कहूं, लब साथ नहीं देते। अब मुझे देखिए, पंडित बनना कितना आसान है। पंडित के घर पैदा हो गया, लेकिन सिख बनना, हीरा भाई, सिख बने बिना कोई पंडित नहीं हो सकता।
पंडित। भागो, तुझे कितनी बार समझाया है? मुझे पंडित मत कहा कर। क्यों? पंडित को पंडित ना कहूं तो क्या कहूं? कुछ भी, तू पंडित का मतलब नहीं जानती। तू नहीं जानती, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सुन, तो लाहौर छोड़ के चला क्यों नहीं जाता? मैं तो लाहौर छोड़ दूं, पर अब लाहौर मुझे नहीं छोड़ता। ठीक है, फिर मुझे ही लाहौर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये परमात्मा, इसे समझाइए, ये सब की सदियों की नफरतों की सजा मुझे अकेले को क्यों देना चाहती है? सिंह, ये गांव तो गुजरामाला के बहुत नजदीक है। ऐसा लगता है जैसे हम रंजीत के घर में सेंध लगा रहे हैं। जिस तरफ हमले की उम्मीद नहीं है वहीं हाथ डाला है। अब लड़ाई सीधे रंजीत के दरवाजे पर होगी। मामा जी, पहले कुछ कर ले, नफा नुकसान बाद में सोचेंगे। बिल्कुल। जी, बड़े मामा जी ने तो सीधे पगड़ी पर ही हाथ डाल दिया। रिश्ते भूल गए, पंजाब की इस धरती को भूल गए। हमने तो सोचा था कि दुश्मनों को दल देंगे, लेकिन वो तो दुश्मनों के दल में ही जाकर मिल गए। पुत्र, वो साहिब सिंह के हत्थे चढ़ गए होने और तेरे फुफड़ को उन्हें पट्टी पढ़ाने का मौका मिल गया। बेबे जी, ना तो मामा जी कोई दूध पीते बच्चे हैं और ना ही बगावत कोई खिलौना है। उन्हें अपने अजीज प्यारे हो या ना हो, लेकिन मुझे अपना हर सिपाही अजीज है। बेबी जी, मेरे पास देखने वाली नजर है, लेकिन मेरी तलवार को कुछ भी नजर नहीं आता। इस बार मुझे उन सारे लोगों के हौसले को नाकाम करना होगा जो पंजाब के बेटे तो कहलाते हैं लेकिन अपनी मां के आंचल को तार तार करने में लगे हुए हैं। उन्हें नहीं बख्शूंगा मैं। पुत्र, जिनके साथ सच होता है उन्हीं के साथ वाहेगुरु होता है। खालसा जी, बागी अपना ही आदमी है। मामा जी ने दूसरों के बहकावे में आकर हमसे बगावत की है। हम इस बगावत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि बिना खून बहाए हम उनको अपने साथ मिला लें। सिपाही वही है जो हवा का सामना भी करता है और चिराग भी बुझने नहीं देता। चलो। खालसा जी, सिंह साहब रामनगर तक पहुंच गए। उन्हें रोकने की जिम्मेदारी जिन लोगों की थी वो भाग गए। सिंह साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है, आप सुबह उन्हें मिल लें तो।
अपनी या निशान।